बांधकाम, लाइट फिटिंग, टाइल्स और सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन काम के लिए कॉन्टेक्ट करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ने आज हर साल उसका जन्मदिन वो पीछे के 25 साल से मरीजों के साथ में मनाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उसने कम से कम बाहर बच्चों के साथ में मनाते नहीं हुए मरीजों के रिश्तेदारों के साथ में या मरीजों के साथ में अपना जन्मदिन मनाता है, इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन लोगों के जो बच्चे बाहर बर्थडे मनाते और उनके पेरेंट्स रुकते नहीं, ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज? मैं उनके पेरेंट को ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके बच्चों पे ऐसा संस्कार डालो कि वो मरोजे के साथ में या गरीबों के साथ में अपना जन्मदिन मनाए। आपके पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम शेखलाल शेख यूसुफ नारेगांवकर और मैं वुमेंस राइट का जिला अध्यक्ष हूँ। हॉस्पिटल आमपास में शेख सलमान भाई अपना जन्मदिन सादगी से मना रहे हैं चंद गरीब मरीजों के साथ, तो आप बताइए अपने क्या क्या बात है। मेरा नाम शेख सलमान नारेगांवकर है, मैं कांग्रेस पार्टी के ओबीसी सेल का शहर संगठक हूँ। मैं हर साल कैंसर हॉस्पिटल अपना जन्मदिन मनाता हूँ। आप जो है तो जन्मदिन के ऊपर कैंसर हॉस्पिटल में आकर आपने गरीबों को खाना वगैरह बांटे, ऐसा क्यों, आपके अंदर ऐसे क्या सोच है? मेरी ये सोच है कि मरीजों के साथ जो है तो सेलिब्रेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मरीजों के साथ जो खुशी मिलती है, मरीजों के पास से जो खुशी मिलती है मुझे, वो खुशी के लिए मैं हर साल मरीजों के साथ जन्मदिन मनाता हूँ। अपन जो भी बर्थडे पे अपन खर्चा पानी करते, अगर वही खर्चा पानी अगर अपन मरीजों में या गरीबों में तकसीम करेंगे तो अपने को भी खुशी मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी। इसके आगे भी आपको कुछ इरादा है कि कोई और गरीबों को काम करेगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी नेताओं ने, कांग्रेस नेताओं ने या सभी ने, समाज सेवकों ने, अपने कैंसर हॉस्पिटल हो गया, ऐसे अपना घाटी हॉस्पिटल है, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर मरीजों के साथ अपना जन्मदिन मनाएं। जो नौजवान लड़के अक्सर रात में देखा जाता है कि केक वगैरह काटते रात के 12 बजे, ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो ऐसे बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसे पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कोई गरीब गरीब खाए, गरीब के पेट में डाले, वही दुआ मिलेंगी अपने को।